यहाँ मेरे को तो अभी से बदबू आने लगी है, प्रेशर आ रहा है प्रेशर। क्या अभी गमला ही है? गमला नहीं है, ये टॉयलेट है। चित्रकारी क्यों कर रहा है? टॉयलेट है वो। तो गाइज वहाँ से हम आए और ये रहा म्यूजियम, तो अब हम अंदर चलते हैं। सो लेट्स गो। यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा यहाँ से स्टार्ट है, तो भैया आप थोड़ा बता दो। हमारे सर है चंदन सर, वो आपको बताएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ जी हम उनको बुलाते हैं। ओके सो वेयर आर यू गाइस, सी दिस मॉडल। ये हमारा म्यूजियम है टॉयलेट का, वर्ल्ड का फर्स्ट है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इज द फाउंडर ऑफ सुलन, और हमारा म्यूजियम है, ये फाउंडर है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, और ये म्यूजियम यहाँ 1992 में एस्टेब्लिश हुआ। 1992 हाँ जी। ओके हम देखते हैं आज का जो पीरियड है हमारा, आज का जो टाइम चल रहा है, वो देखते हैं कि टॉयलेट को हम गंदा मानते हैं, बट नाउ इट इज बेस्ट इज नॉट बेस्ट। अब कैसे, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये हमारा हड़प्पन सेटलमेंट, जिसे हम आज के टाइम में इंग्लिश सीट बोलते हैं, है ना। तो इंग्लिश सीट हमारा इस टाइप में है, जो आप यहाँ डिफरेंट टाइप के टॉयलेट सीट देख रहे हैं। तो आज के डेट में हम मॉडर्न हो गए, तो इंग्लिश सीट अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं यूरोपियन कंट्री से इंग्लिश सीट आई, और इंग्लिश सीट हम जान रहे हैं कि रिसेंट में यूज कर रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश सीट फर्स्ट टाइम हमने अपने इंडिया में यूज किया, वो भी आज नहीं, करीब 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो, है ना इंग्लिश सीट आपका, राइट। मिडिल में होल था, डिफिकेट करा, जो भी वेस्टेज था नीचे आई, बकेट से फ्लश करने के बाद सारा ह्यूमन वेस्ट आउट ऑफ विलेज जाते थे विथ ड्रेनेज सिस्टम। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीट, ड्रेनेज सिस्टम, रेन हार्वेस्टिंग जिसे हम ग्रेट वाथ बोलते हैं, और इसके ऊपर सारे टॉयलेट सीट थे। ओके ये जो आप दिखा रहे हैं सारे टॉयलेट सीट्स हैं? टॉयलेट सीट्स हैं। ओके तो गाइस ये सारे टॉयलेट सीट्स हैं, और सारा कुछ हमने अपने इंडिया में यूज किया, लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज के टाइम में हम इसे इंग्लिश सीट बोलते हैं, और ओरिजिन हमारे इंडिया का है, राइट। अब ये पार्ट हमारा पाकिस्तान में है। ओके दूसरा हम देखते हैं, आज के टाइम में हम वेल काफी जगह यूज हो रहा है। हम देखते हैं कि 2500 BC पहले यहाँ तो ज्यादा कुछ ग्रेट नहीं थे लोग उस टाइम के, कोई टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, फिर भी लोग कितने ग्रेट थे वो जानते थे, नीचे कितना डेप्थ करेंगे, नीचे का पानी ऊपर ला के यूज कर सके। चलो सब डेप्थ कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन राउंड में ईंट को सजाना ये तो बहुत बड़ा इन्वेंशन था हमारे, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। दूसरा डेवलपमेंट था टेराकोटा पाइप, जो हर एक घर में बाथ सीट से कनेक्टेड था, जो भी बाथ का बेस्ट पानी था वो टेराकोटा पाइप से फ्लश होकर आउट ऑफ विलेज जाते थे विद अंडरग्राउंड ड्रेन। तो सोचिए पूरे विलेज का ड्रेनेज सिस्टम क्या रहा होगा, अंडरग्राउंड ड्रेन, जो आज भी हम अंडरग्राउंड नहीं, ऐसा तो हम बहुत जगह देखते हैं। ये मोबाइल टॉयलेट है जो पार्टी फंक्शन, स्लम में या फिर इवेंट्स में यूज करते हैं। स्लम के लिए तो घर नहीं, टॉयलेट कहाँ से यूज करेंगे, तो वो रोड को गंदा करते हैं, तो उनके लिए ऐसा मोबाइल टॉयलेट यूज करते हैं ताकि वो रोड को गंदा ना करे, इसमें यूज करें। ये तो आई थिंक आज भी दिखता ही है हमें जी, बहुत जगह आज आप इस टाइम पे भी कॉमन है। हाँ, तो जैसे कुंभ के मेला वगैरह सब हो गया तो वहाँ ज्यादा मिलेंगे आप, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि हम मॉडर्न हो गए, तो देखते हैं कहीं जाते हैं टॉयलेट के लिए तो लिखा होता है लेडीज और जेंट्स, लेडीज और जेंट्स, तो लेडीज लेडीज में जेंट्स जेंट्स। तो कभी आपने सोचा कि इससे पहले भी कुछ सिंबल रहा होगा, कुछ पिक्चर होगा ऐसे? नहीं सोचा तो नहीं होगा, नहीं। तो इससे पुराने टाइम में जो टॉयलेट सिंबल्स होते थे वो इस डिजाइन के थे। ओके जी,
ये जेंट्स का डोर हैंडल था, वो लेडीज का डोर हैंडल था, और दोनों इसको देख के यूज करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। गाइज ये जेंट्स का आइकन था टॉयलेट का, जब आप टॉयलेट जाओगे तो जेंट्स का होता था हैंडल, और ये लेडीज का। तो ये जो फेसेस बने ये किन किस टाइम के, मतलब किन के हैं? ये हम राजस्थान टाइप, राजस्थान के इधर से लाए थे। ये क्राउन पहनते हैं, ओके, तो क्राउन से सिंबल हो जाता था जेंट्स का, ओके। लेडीज श्रृंगार करते थे, हाँ। तो इस टाइप में थे। ऑलराइट, हाँ। आप जानते हैं अपने इंडिया में एक बुक है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में भी बात बताया गया कि जहाँ पानी पीने का सोर्स था, सोर्स तो पहले यही था आपका, तो इससे उस टाइम के लोग 10 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। जहाँ पॉपुलेटेड एरिया होती वहाँ से 100 हैंड डिस्टेंस मेंटेन होता, और जहाँ मंदिर था तो मंदिर से 400 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। ओके, बट आज के डेट में हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आज पॉपुलेशन काफी हो गई। जॉन हैरिंगटन है, फर्स्ट टाइम इन्होंने WC बनाया। WC स्टैंड फॉर वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट, जैसे हम फ्लश टाइप टॉयलेट बोलते हैं, तो इन्वेंशन इन्होंने करा था। ओके, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, ये 1920 में अमेरिका में यूज हुआ था। इसमें क्या था कि जो भी अपर फ्लोर था वो हमेशा बॉस के लिए रिजर्व होते थे, जो लोअर फ्लोर था वो हमेशा स्टाफ के लिए रिजर्व होता था। अब अपर फ्लोर है वो बॉस का था, तो बस बॉस के मन में ये था कि यार मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपके ऊपर, तो मैं आपके ऊपर, हाँ, आप मेरे सर्वेंट्स हो, वर्कर्स हो, वर्कर्स हो, आप नीचे चले जाओ। अच्छा, ये यूएस का टाइम था ना, 1920। इसमें कुछ है तकरीबन उस टाइम पे इसकी हाइट कितनी होती है, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, दो फ्लोर का होता था, दो फ्लोर का ना, हाँ। जैसे इस टाइम पे जो दो घर के हाइट होती है फ्लोर की, उसी टाइप, उसी टाइप के। ओके, यूरोप में एक बीमारी आई थी प्लेग, प्लेग राइट, जो अनहाइजीन सा आया था। फैलने का कारण क्या था कि जो भी यूरोपियन फैमिलीज थी वो लैटिन किया ऐसे बकेट में स्टोर कर लिया, स्टोरेज जैसे फुल हो जाती वो रात को विंडो से फ्लश कर दिया था, घरों को बाहर फेंक दिया करते। तो घरों को बाहर ह्यूमन वेस्ट ऐसे फैलते चले गए और इसी गंदगी से बीमारी आई, और करीब 70% के आसपास लोग मर गए इस बीमारी से। इतने लोग मरे कि हिस्ट्री में एक लेशन है जिसका नाम था ब्लैक डेथ इन यूरोप। हम अपने इंडिया में जी रहे हैं, इंडिया में बहुत से फोर्ट्स हैं, और ये सारे इंडियन फोर्ट्स का टॉयलेट सीट है, आप देख सकते हैं। नेचुरल मिस्टीरियस वाटर। तो गाइस ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रही हूँ ये मैं फ्रीज कर दूंगी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं फ्रीज करने के बाद। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही ग्रेट है। ग्रेट कैसे है कि अगर हमारा पैर बुक में टच हो जाती है तो हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर को लिया था, और ये मैकबेथ की बुक थी, तो फ्रांस वालों ने शेक्सपियर और ब्रिटिश के इंसल्ट के लिए उसके बुक की रेप्लिका लिया, नाम लिखा था मैकबेथ, बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाया, और इसी बुक पे बैठ के लैटिन करते थे। तो ये इंसल्ट एक तरह से इंसल्ट ही होगी, आप ही कह लो। तो इंसल्ट करने का नया तरीका था इनका, बट हम इंडिया में जी रहे हैं, इंडियन कल्चर इज ग्रेट, तो अपने इंडिया में नहीं करते, नहीं करते, राइट। दूसरा, ये हमारा इंडिया ग्रेट कैसे है यहाँ भी आपको पता चलेगा कि ये ब्रिटिश लोग पिकनिक और हंटिंग के लिए ऐसे टेबल को यूज करते थे। अब ये मल्टीपर्पज टेबल है, अब देख रहे हैं टेबल है तो इस पे वो खाना खाया, इस पे बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला, फिर जब उनको कॉल ऑफ नेचर आती वो ऐसे उठाया और इसी पे यूज भी किया। भैया ये तो बड़ा गंदा है, वहीं खा लो पी लो और बैठ जाओ नीचे, यू शुड चेक दिस आउट। भैया ने बोला कि ये कहाँ का है, ये ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश, दे यूज टू प्ले कार्ड्स, दे यूज टू ईट ड्रिंक एवरीथिंग, एंड जब नेचर कॉल्स सिट हियर ओनली। तो मैंने वही भैया को बोला, मैंने कहा भैया खाओ पियो और वेस्ट छोड़ दो इधर ही। ओह अच्छा, दिस इज टेबल, यस, अच्छा, नीचे वेस्ट के लिए कैसे रखते थे वो लोग बकेट, हाँ, और जो उनके स्टाफ होते हैं सारे वेस्टेज को क्लीन करके, माय गॉड, साथ में, देन वेयर टू स्लीप, इसमें सोना होता था क्या?
इंडियन नहीं, ऐसा नहीं करता अपना टॉयलेट, तो इंडियंस में अलग ही एकदम दूर ही माना जाता है कि टॉयलेट दूर होना चाहिए। तो जहाँ हम खाएंगे वहाँ सोच भी नहीं, वहाँ सोच भी सकते अपने। तो इंडिया में भैया कुत्ता भी जहाँ सोता है वो अपना जगह साफ करके सोता है, वहाँ भी उनका क्लीन खुद कर लेते हैं वही। तो ये मैम आप देख रहे हैं, ये लुईस 14 का टॉयलेट सीट है। लुईस 14, ओके। लुई फिलिप 14 को क्या था, कॉन्स्टिपेशन था, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते। तब उन्होंने क्या किया, टाइम मैनेज के लिए अपने थ्रोन सीट में, वहीं पर ही जी थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बनाया और इसी सीट पे बैठ के वो ऑडियंस को लेक्चर भी देते, फिर पर्सनल काम भी करते। ओह गॉड, सब कुछ बीमारी और ओपन का ओपन ही होता है, फॉरेन कल्चर वैसे ही ओपन होता है बहुत जी। और आप एक बहुत ही सारे जो शीट आप देख रहे हैं, ये 18-19 सेंचुरी के ऐसे रॉयल फैमिलीज थे, वो ऐसे पॉट्स को गोल्ड और कॉस्टली स्टोन से बना के यूज करते थे। मतलब डिजाइन पूरा अच्छे सजा सुजो के जी, ये डेकोरेट होता था, मतलब बड़े लोगों की बड़ी बात है, राइट। अब वो मास्टर थे, उनके मालिक थे, तो वो कभी कभी इसमें यूज भी करते। ये ज्यादा शोकेस के लिए था कि यार मेरे घर में सोने का टॉयलेट है। वाओ। फिर जो स्टाफ था सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रखता था। अच्छा जी, मतलब एज अ फ्लावर वाज भी इसको यूज करते थे जी, फ्लावर वाज भी यूज करते थे, एंड दे यूज्ड टू पू ओवर हियर आल्सो, क्लीन करने के बाद फ्लावर्स लगा दो अंदर। तो ये फ्लावर पॉट्स भी था, फिर टॉयलेट सीट भी था। ये सब आपका ह्यूमर सेक्शन, ओके। ये बिग लेसन है हमारे लिए। अब बिग लेसन कैसे है कि आई हैड डेफिकेटिंग इन ओपन बट वेयर आर द फैसिलिटीज। हाथी को भी खुले में शौच के लिए नफरत है बट कोई फैसिलिटी नहीं, तो वो क्या करे वही। तो जो थाईलैंड वालों ने क्या करा, हमें बिग लेसन दिया। आज के डेट में जो भी हाथी है यहाँ पे वो इतने वेल ट्रेंड हो गए कि इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। ओह ओके, दैट्स नाइस। और हम तो इंसान है, आज भी खुले में यूज करते हैं, राइट। हमसे तो बेटर है जानवर। अब आप गेस कर सकते हैं क्या है ये, जैसे आपने टेबल बताया वैसे ये चेयर के साथ पॉटी होगा अंदर। ये सोफा कम टॉयलेट है, ओके। ये क्या था, ये ब्रिटिश कैसीनो में ज्यादा यूज हुआ ऐसे सीट। अच्छा हाँ, कैसीनो में क्या है, वो गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने के टाइम जब गेम काफी इम्पोर्टेंट हो जाती उस समय प्रेशर आता, तो वो टाइम की बचत नहीं जाएगा ताकि उनको लगता था माइंड डिस्टर्ब हो जाए या शीटिंग हो जाएगा, तब वो क्या करते उस टाइम वैसे ही सीट को हटाया और इसी के नीचे बकेट लगा होता, ओके। तो इसी पे बैठ कर वो यूज भी किया, फिर गेम भी खेला। दैट्स हिलेरियस। एक है मुझे यहाँ पर ये कोटेशन बहुत अच्छी लग रही है, Sometimes I feel that I have the worst job in the world. Yes, right, that is toilet. आजकल हम लोग देख रहे हैं काफी मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न है तो मॉडर्न टाइम में कपल्स का टाइम ज्यादा है, तो हम एक सीट दिखा रहे हैं, वो आपका कपल्स टॉयलेट है। Spend quality time with your loved ones. Oh my god. तो ये कपल्स टॉयलेट है और ये भी आपका कपल्स टॉयलेट। अच्छा, ये भी कपल टॉयलेट है, नाइस। दैट्स अ कपल टॉयलेट, कुछ ज्यादा प्यार नहीं दिखाना पड़ता इसमें। पर आई थिंक भैया ये इस टाइम पे अब नहीं है, मेरे को तो क्या दिखाई नहीं है अभी, है ये अभी ही यूज हो रहा, ओके, स्टिल यूज में है ये ऐसा। ओह माय गॉड, इन कंट्री में ज्यादा मिलेगा आपको, ओह, क्योंकि आज तक देखा नहीं है मैंने कहीं पर भी ऐसा। तो अब मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न सीट यूज कर रहे हैं और मॉडर्न टिश्यू पेपर है, डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हैं। ये कैसे कैसे टिश्यू पेपर है, अच्छा ये है तो होंगे तो सारे पेपर्स के ना, बस थोड़ा डिजाइन है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉयलेट है, बहुत कॉस्टली टॉयलेट है, वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट है, स्पेस टॉयलेट जो हम स्पेस में यूज करते हैं, स्पेस। हाँ जी, कॉस्ट है इसका $19 million। $19 million स्पेस में यूज होता है गाइस, देख लीजिए। और यही यूज करते हैं वो रिसर्च के लिए लोग जाते हैं, तब इसमें क्या है, पानी पीने का सोर्स नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे। इसमें जो भी यूरिन यूज करते हैं उसी को प्यूरिफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है, ओके। और वही प्यूरिफाई यूरिन वो लोग पीते हैं जो रिसर्च के लिए जाते हैं। तो आप एक गेस कर सकते हैं कि सिर्फ टॉयलेट सीट का दाम है $19 million, तो कॉस्ट्यूम का क्या प्राइस होगा, एग्जैक्टली। और पूरे स्पेस सीट का क्या प्राइस है, और एक स्पेस सिर्फ क्रैश कर जाती है तो कंट्री को कितना लॉस होता है, क्योंकि कॉस्ट इतना ज्यादा हाई है तो फिर लॉस तो होगा ही, कितना इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और देख लीजिए, ये
टॉयलेट रेस्टोरेंट है। टॉयलेट रेस्टोरेंट, हाँ ये तो मैंने यूट्यूब पे देखा था जी। गाइस ये देखिए टॉयलेट रेस्टोरेंट है, मतलब आपको खाना भी टॉयलेट जैसी प्लेट में सर्व किया जाएगा, खाना भी बैठना भी वैसा ही है और पूरा बना भी वैसा ही है। देखिए गाइस आप देख सकते हैं, तो आप इसको भी देख लीजिए। ऐसे सीट ए है शैनी सेट, इसमें क्या है ऐसे सीट में 10 और 15 मिनट का टाइमिंग होता है। ओके अगर आप 15 मिनट में फ्रेश होके नहीं निकलेंगे तो गेट ओपन हो जाएंगे। ओ तो टाइमिंग है, तो मतलब कुछ दिखने से पहले आपका गेट बंद सही है। तो ये सब रिसेंट में हम यूज कर रहे हैं। ओके ये आपका कैंपिंग टॉयलेट है जो आर्मी लोग या जो माउंटेनिंग के लिए, माउंटेनिंग के लिए वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। कैंपिंग तो कोई भी करेगा लेकिन मेन ये बैग होता है। ये जस्ट लाइक प्लास्टिक बैग लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है। ओके ये बायोडिग्रेडेबल बनाया जाता है। अच्छा इसमें आप जो भी वेस्ट यूज करेंगे, यूज करने के बाद कवर करके नीचे रखेंगे तो हमारा ह्यूमन वेस्ट विद बैग डिकम्पोज हो जाती है। ओके मतलब वो मिट्टी-विट्टी में खाद बाद में कन्वर्ट। ओके और मार्केट से जो बैग यूज करते हैं वो हार्ड होता है, वो हार्ड होता है। तो गाइस कैंपिंग टॉयलेट देख लीजिए आप। चाइनीज रेस्टोरेंट में ऐसे ही पॉट्स में खाना खाते हैं लोग। जो भी केक है वो लैटिन टाइप में आएगा और इसमें चम्मच लगा के लोग आराम से खाते हैं। गॉड मैं तो सोच भी नहीं सकती खाओगे इसमें आप केक सोचो गाइस अगर आप इसमें चॉकलेट केक खा रहे हो और अमेरिका में लास वेगास एक सिटी है वहाँ पे ऐसे पॉट्स को बियर पीने के लिए यूज करते हैं। बियर पीने के लिए तो ये बियर मग है उनका। ओके दैट्स नाइस, थोड़ा यूनिक है, कुछ ज्यादा यूनिक है। ये महात्मा गांधी जी का टॉयलेट है उनके आश्रम का और वो इसे खुद से क्लीन करते थे। खुद करते थे वो जी। ओके आज के टाइम में हम देखते हैं बेस्ट इज बेस्ट। अगर हम लैटिन में टच हो जाते हैं तो पूरा दिन बेकार जाता है। लेकिन टॉयलेट बहुत इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट काम हमारा वही रहता है। तो टॉयलेट के सेक्टर में ये है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, सुलभ के फाउंडर है। टॉयलेट के सेक्टर में इन्होंने काम किया तो आज ऐसे अवार्ड्स इनके नाम है जो हम सोच भी नहीं सकते। ये गांधी पीस प्राइज है जस्ट लाइक भारत रत्न। ओके ये पद्म भूषण मिला था उस टाइम का पिक्चर है। तो टॉयलेट के सेक्टर में इन्होंने काम किया, समाज में अवेयरनेस फैलाया कि आप ओपन डेफिकेशन ना करो, बहुत जरूरी था। तो इस सेक्टर में इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अब जो इंडियन सीट है आपका इस डिजाइन में आ रहा है, पहले क्या थे फ्लैट थी, फ्लैट अब इंक्लाइनेशन में है। घर में कुछ ऐसे लोग हैं वो जमीन पे सही से बैठ नहीं पाते या आगे की तरफ पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, तो उनके लिए ऐसा सीट बना है ताकि उनका एंगल इस पे एडजस्ट हो जाए, वो आराम से यूज कर सके। स्पेशली फिर जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो या ओल्ड एज वाले जो बैठ नहीं पाते। और मेन बात है इस पे 13 डिग्री का एंगल बनता है जो बेटर एंगल है फ्रेश होने के लिए। इसको क्या मैं टच कर सकती हूँ? यस यस अपने घर के तो टच नहीं कर सकते ये फील तो ले सकते कि मतलब कैसा है, मतलब ये है तो रियली ना, रियली है ना जी जी रियल है और काफी स्मूथ है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। ये सोलर टॉयलेट है, साउथ अफ्रीका में इसे यूज करते हैं। सोलर टॉयलेट जी, सोलर टॉयलेट। ये फैन जो है हमेशा रनिंग में रहेगा। ओके तो इसमें क्या है जो भी हम वेस्ट यूज करते हैं तो हमारा यूरिन को और वेस्ट का जो भी वाटर है उसको इवेपोरेट करके इसे बाहर फेंक देता है। ओके जो सॉलिड हो जाती है सॉलिड को हम इस ट्रे में निकाल के सनलाइट में ड्राई कर लेते हैं फिर कंपोस्ट बना लेते हैं, तो एक कंपोस्ट भी हो जाता है आपका। और कंपोस्ट होने के बाद जो वेस्ट होती है वो वेस्ट आपका इस टाइप में है। तो ये रियल है? जी रियल है और फर्टिलाइजर में यूज कर लेते। अच्छा फर्टिलाइजर, ओके नाइस, क्योंकि वेस्ट इज नॉट वेस्ट तो यहाँ हम यूज कर लेते हैं। पहले क्या था काउ डंग यूज करते हैं, काउ डंग हाँ। एक आप गेस कीजिए क्या है ये, मुझे ना वो लग रहा प्रिंटर, प्रिंटर लग रहा है ना, है ना प्रिंटर है सर राइट। तो प्रिंटर टाइप में ये टॉयलेट सीट है, नाम है पोर्टा पॉटी। ओके ये पिकनिक के लिए यूज करते हैं, पोर्टेबल टॉयलेट है पिकनिक। ओके लेके जा सकते हैं इसको, है ना, लेके जा सकते हैं। जेंट्स तो कहीं भी यूज कर लेते हैं, लेडीज को परेशानी होती है तो वो गाड़ी के अंदर ही इसमें बैठ के यूज कर लेते हैं। तो ये है प्लास्टिक फाइबर। ओके पिकनिक जब खत्म हो जाते हैं फिर क्लीन करके ले आते हैं। ओके काफी सारे देखने को मिले जो हमें आज तक पता भी नहीं थी कि ऐसे होते हैं। आज के टाइम में देख रहे हैं कुछ एडवांस हो गया, तो हमें कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहुत कुछ फंक्शन दे हमें। तो बहुत टाइम ऐसा होता है जब हम यूज के लिए जाते हैं अच्छे से फ्रेश नहीं होते,
बट क्या है, जापान की टोटो कंपनी ने बनाया ऐसे सीट को। ओके। फर्स्ट टाइम जब आप यूज करने के लिए सीट पे बैठेंगे तो सीट वाइब्रेट करके मसाज करेगा हमें। अच्छा जी। तो इसमें सारे फंक्शंस ही हैं। सारे फंक्शंस हैं। तो मसाज करेगा तो प्रेशर हाई होगा, फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा, ड्राई करेगा, ऑडियो सुनने का मन किया ऑडियो चलेगी, शुगर प्रेशर ब्लड प्रेशर सब चेक करता है। नाइस। तो हाईली एडवांस्ड टॉयलेट है। तो ये अभी भी यूज में है? जी, कर रहे हैं अभी, रिसेंट कर रहे हैं। ओके। और जापान की कंपनी ने। जापान। ओके। तो मतलब आप एक घंटे टॉयलेट में बिजी रह सकते हैं। अब जो आपका सीट आ रहा है वो आपका इस डिजाइन में आ रहा है, ये आपका W प्लस W, W प्लस कंपनी ने बनाया। W प्लस W मींस ये वॉश बेसिन हो गया, ये वाटर क्लोजेट हो गया। ओके, मतलब कर लो और धो लो। दिस इज द बेस्ट हैंड। वही तो। तो वॉश बेसिन में जो पानी हम यूज करेंगे इसी के बेस्ट वाटर से वो फ्लश हो जाएगी। ओह अच्छा। हाँ, ये आई थिंक जापान में, चाइना में कहीं पे देखा है मैंने, बहुत जगह मिलेगा। हाँ, आप हैंड वॉश कर लो और ये यहाँ फ्लश। सबसे बड़ी बात है कि ये स्पेस कंज्यूमिंग है, स्पेस कंज्यूमिंग है, ज्यादा स्पेस को फ्री रखेगा अगर कहीं प्लेस कर दो तो। और वाटर सेविंग भी है आपका। एग्जैक्टली, वाटर सेविंग सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। अच्छा, हम इसको वैक्यूम भी कर सकते हैं ना पानी में। जी। तो गाइस देखो, ये आप बहुत अच्छा है, जिसको मंगवाना है मंगवा लो आप। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। okay. सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? एक सुजॉक थेरेपी है, एक थेरेपी है। इस थेरेपी में क्या है, कहीं हम मीटिंग में है, पार्टी फंक्शन में है या ट्रेवलिंग में है, उस समय हमें प्रेशर आ गई तब क्या करेंगे। मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है, छोड़ के जा नहीं सकते और प्रेशर भी कंट्रोल कर नहीं सकते। तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल के नोब से एंटी क्लॉक वाइज डायग्राम डॉट डॉट में 3 से 4 बार करेंगे, सर्कल बनाएंगे तो हमारा प्रेशर वो करीब 15 से 20 मिनट के लिए कंट्रोल में आ जाएगी। ओके। जी, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर इस ये करने से हमारे हेल्थ पे इश्यूज हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा ना, ये थेरेपी ही है। इनको हम रोकेंगे तो उससे परेशानी हो जाती है। हाँ, स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं, ब्लैडर में प्रॉब्लम आती है। जी, तो इससे ऐसी बात नहीं है। ओके। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे जो थोड़ा है और तेज हो जाएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब रोकने के लिए है। हाँ। क्लॉकवाइज करोगे तो प्रेशर आएगा। जी। तो आपने स्पेस का टॉयलेट देखा, ट्रेन का देखा, yes. प्लेन का देखा। यस yes. ये आपने सबमरीन का नहीं देखा। सबमरीन। जी। वाओ। सबमरीन नाम है इसका, इंसिनोलेट मशीन। सबमरीन में क्या होता है कि हम पानी को गंदा नहीं करते हैं और यूज भी करना। तो इंसिनेलेट नाम है इसमें, हम क्या है जो भी वेस्ट यूज करते हैं, यूज करने के बाद बटन को प्रेस करते हैं तो सारा वेस्ट भी टिश्यू नीचे आ जाते हैं। ओके। और जो वो कॉयल है वो आपका हीटिंग कॉयल होता है। ओके। उसके बाद फ्रेश होने के बाद बंद करके पुश बटन पुश करते हैं तो हमारा ह्यूमन वेस्ट विद टिश्यू पेपर बर्न हो जाती है। अच्छा, बर्न ही करते हैं। बर्न ही करते हैं, क्योंकि समंदर में भी जीव जंतु रहते ही हैं। और फेंकेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, राइट। और जो भी वेस्ट होता है पैकेट में रखते हैं, शिप बाहर आते तो कंपोस्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये है आपका सबमरीन का टॉयलेट। और इतना बड़ा जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ये होल बिल्डिंग टॉयलेट का, आपका सुलभ का। ये शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास है और पर डे करीब 1 लाख लोग इसमें यूज करते हैं, मतलब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और एक आपका सिंबल है आपका, दो बायोडिग्रेडेबल कैरेक्टर, मिस्टर पी मिस्टर पू। मिस्टर पी एन। अच्छा हाँ, मिस्टर पी एन। अच्छा, ये पू है, ये पी है। जी। अब पू नाम कैसे है, कभी हम लैटिन के लिए जाते हैं तो देखते हैं फार्ट हो जाती है। हाँ, पू का साउंड आता, पू का साउंड आता है, तो मिस्टर पू। यूरिन के लिए जाते हैं तो पी का साउंड है और उसका कलर येलो होता है, येलो होता है, राइट। तो वो मिस्टर पी। तो गाइस देखो कितने क्यूट है मिस्टर पी एंड मिस्टर पू। एंड आई थिंक ये हमारा ये गांव का एक आइडल रखा हुआ है। तो सर आप एक बार अपना नाम दोबारा बता दीजिए और एक बार एड्रेस बता दीजिए। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है और नियर बाय पालम मेट्रो स्टेशन के पास है और दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास है। ठीक। तो है। आपको जब रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है, म्यूजियम देखना है तो आप मैम के ब्लॉग पे आए और इनसे एड्रेस लेकर आप यहाँ चले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।